ताजा ताजा जेडीयू अध्यक्ष बने नीतीश कुमार, बिहार में एनडीए की मजबूरी बन गए हैं, अब नए समीकरण का इशारा। तो नीतीश कुमार को ललन सिंह से अब छुटकारा मिल गया है, बहुत संभव है कि अब जल्द ही आरजेडी से भी छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे। उधर एनडीए भी इसी ताक में बैठी है कि कब नीतीश और लालू का याराना टूटे। लोकसभा चुनाव में इन सभी पार्टियों में बहुत कुछ दांव पर है, अब सबकी नज़र सीधी सीधी नीतीश कुमार पर है। माना जाता है कि धुआं उठने का मतलब होता है कहीं न कहीं आग जरूर सुलग रही है। एक खुशफुसाहट का आज अंत हो चुका है। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह को आज उनके पद से हटा दिया गया है और नए अध्यक्ष बिहार के सीएम नीतीश कुमार स्वयं बन चुके हैं। तो ललन सिंह को हटाए जाने की खबरें पिछले एक हफ्ते से चल रही थी। इस खबर के साथ साथ यह खबर भी चल रही थी कि नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ जाएंगे। अब धुआं उठा है तो आग भी लगी ही होगी, क्योंकि आग दोनों तरफ लगी है। तो ललन सिंह पर आरोप रहा है कि वह जेडीयू की बजाय आरजेडी के लिए काम कर रहे थे, तो कहा जा रहा है कि जेडीयू को तोड़ने की प्लानिंग चल रही थी। निश्चित है महागठबंधन अब ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार जब भी कोई दरवाज़ा बंद करते हैं तो खिड़की खुला रखते हैं। मतलब साफ है कि नीतीश को भी कोई सहारा चाहिए। और दूसरी ओर केंद्र में फिर से सत्ता में आने के लिए बेचैन बीजेपी को बिहार में क्लीन स्वीप चाहिए, जिसमें नीतीश कुमार ही उनके मददगार बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि नीतीश कुमार को एनडीए अपने साथ लेने के लिए क्यों मजबूर है। दरअसल बीजेपी की लाख कोशिशों के बाद भी बिहार में कोई भी कद्दावर नेता नेतृत्व के लिए तैयार नहीं हो पाया है। बिहार बीजेपी के सुशील मोदी, नित्यानंद राय आदि भी मानते रहे हैं कि बिहार में नीतीश का साथ बेहद जरूरी है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी अभी भी अपनी जाति के ही नेता है। हालांकि आज भी बीजेपी किसी भी प्रदेश में कोई चेहरा नहीं बना रही। हाल ही में हमने देखा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और सफल भी हुए। तो इन तीनों राज्यों में बीजेपी का आधार तो पुराना है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार की राजनीति बिल्कुल अलग तरह की है और बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर बेहद सेफ गेम खेलना चाह रही है। वह ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहती जैसी कि 2004 में हुई थी। इंडिया शाइनिंग की धूम में पार्टी ने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते तब सत्ता गंवा दी थी। यही कारण है कि जहां भी पार्टी को थोड़ी सी भी आशंका हो रही है तो वह हर तरह की तैयारी में लगी हुई। पार्टी को पता है कि उत्तर भारत से अगर अधिकतम सीटें नहीं मिली तो खेला हो सकता है। तो 2019 की सफलता में नीतीश कुमार के अहम रोल से इनकार नहीं किया जा सकता। कहा जा रहा है कि बीजेपी के अंदरूनी सर्वे में लोकसभा चुनाव में स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है। तो वैसे तो पूरे देश में राजनीति में जाति का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु बिहार की राजनीति में इसका असर सबसे ज़्यादा होता है। यही कारण है कि जब भी बीजेपी या आरजेडी अकेले चुनाव लड़ती है तो उसे हार का सामना करना पड़ता है। इसीलिए दोनों पार्टियां नीतीश कुमार को अपने साथ रखना चाहती हैं।